दिस इज द क्वेश्चन नंबर नाइन जो पूछा गया था फ्रॉम पॉलिटी इन फिल्म ट्वेंटी थ्री एग्जामिनेशन देखिए टू स्टेटमेंट आर गिवन स्टेटमेंट नंबर वन प्रिजेंस आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट्स विद ऑन रूल्स रेगुलेशन फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजेंस एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है प्रिजेंट आर गवर्न बाय प्रिजेंस एक्ट ऑफ एटीन नाइनटी फोर विच एक्सप्रेसली द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए तो देखिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली करेक्ट हैं, ओके बट जो प्रिजन है ये एक स्टेट लिस्ट आइटम है विच इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये आप भी जानते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर लॉ इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विल प्रिवेल ओवर स्टेचुटरी लॉ तो हम क्या कह सकते हैं कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट नंबर वन इसका उल्टा होता तो सही होता ओके सो द करेक्ट आंसर इज बिफोर बॉम्बे तो आप देख सकते हैं फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए यह फैक्ट हमने डिस्कस किया था करंट अफेयर मैराथन सीरीज में और दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करते हैं जब हम बात करते हैं कि वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशन तो यहां पे आप क्लिप भी देख सकते हो जो अगला टॉपिक है वो क्या है प्रिजन स्टेटिस्टिक रिपोर्ट 21 तो क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई इसको कौन पब्लिश करता है तो भाई दिस इज रिलीज बाय एनसीआरबी ये चीज ध्यान रखना केवल यही आपसे पूछा जाएगा एंड जो प्रिजन है इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट ये स्टेट सब्जेक्ट होता है इतनी इंफॉर्मेशन काफी है So, the key to success in this examination is to have a solid base. And this is the philosophy of our foundation course program. So, don't miss this opportunity if you want to crack 24 25 examination. These are the links, and through these links, you can join our foundation course program and let us script your UPSC success story. All the best.